माननीय स्पीकर, माननीय सभापति जी, उल्टा ये हुआ भैया, मैं बोल लूं, उल्टा ये किया कि सरकार ने, वित्त विभाग ने एक आदेश निकाल दिया कि जितने भी ट्यूबवेल, जितने भी टंकी, जितने भी हैंडपंप, जितने स्वीकृत हैं, वो जितने भी स्वीकृति हैं वो वहीं के वहीं रोक दिए जाए। अगर टेंडर हो गए तो टेंडर रोक दिए जाए, अगर वर्क ऑर्डर हो गए तो वर्क ऑर्डर रोक दिए जाए। आज भी वो आदेश प्रभावी है। ये कांग्रेस और बीजेपी या सत्ता या प्रतिपक्ष की बात नहीं है। आज की तारीख में भी सरकार उस ऑर्डर को वापस नहीं ले सकी है और नहीं लेने से आज पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम है। गर्मियों में जो पानी की स्थिति हुई है आज भी चल रही है। माननीय सभापति महोदय, पूरा का पूरा राजस्थान इससे परेशान है, बहुत बड़ी विकट स्थिति है। और दूसरी तरफ माननीय मंत्री महोदय, आपने यहाँ सदन में खड़े होकर 19 जुलाई को ये कहा कि जल जीवन मिशन का हमारा जो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से था, वो हमारा मार्च में पूरा हो गया। अब हम प्रयास कर रहे हैं जा करके कि इसको दोबारा हमको इसकी स्वीकृति मिले। तो आपके पास जल जीवन मिशन में भी काम करने के लिए नहीं है, आपके पास पानी का जो पैसा, नई योजनाएं आप कब स्वीकृत कर रहे हो, बजट में कुछ लेकर के आए हो, ये कब होंगी कब नहीं होंगी, बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं, 12 महीने, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 7-7 साल भी लग सकते हैं। तो ये जो आदेश है, ये सबसे पहले आज मंत्री महोदय, कम से कम आप बात करके मुख्यमंत्री जी से, या आप सक्षम है तो आप ये ऑर्डर तो वापिस निकलवाओ। हजारों हजारों ट्यूबवेल, टंकी, जीएलआर उसके लिए पड़े हैं, आपकी स्वीकृति के लिए पड़े हैं कि भाई टेंडर हो गए लेकिन आगे काम नहीं हुआ।